आए हाँ हो राम अच्छा भैया हम भी रहा गायक उपेंद्र लाल यादव सब भैया लोगों के बहुत बहुत प्रणाम कर थी नमस्कार कर थी। आज एक दर्द विरह के माध्यम से जवानों की दर्द किसानों की दर्द मजदूरों की दर्द पिछड़ों की दर्द हम लोगों के महबूब नेता समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी की जीवनी और उनको अपने विरह के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि देने का काम करूंगा। आप लोग भी सुनिएगा और सच्चे मन से धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को आप लोग श्रद्धांजलि दीजिएगा। आइए मास्टर भूमिका का भाव बा खिलते बगीचे में लाखों सुमन है मगर चढ़ता मंदिर सुमन कोई कोई लाखों करोड़ों मनुज जन्म लेते मगर सींचता है वतन कोई कोई इतिहास बनता किसी एक का है तन मन वतन पे जो अर्पण करे उनकी ही कीर्ति सदा गूंजती है परहित में जो की समर्पण करे हमारे कवि जी लिखते हैं कि बगिया में तो फूल बहुत खिलला लेकिन वो फूल बहुत किस्मत वाला होला जो उनकी भगवान के चरण में चढ़ला। धरती पुत्र माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन पूरे हिंदुस्तान और एक एक व्यक्ति की नज़र नेता जी को ढूंढती है तो कवि जी अपने लेखनी के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं लेखनी के माध्यम से। कैसे मास्टर कवि जी लिखते हैं कि हीरा हेराइल जब से के हीरा हेराइल जब से अरे अखिया बरस रहल बा कभी जी यहीं से श्रद्धांजलि और कहानी की शुरुआत करते हैं नजम का भाव लगन मास्टर
कभी जी इशारा करते हैं। चांद के डूबते सितारे अकेले पढ़ते हैं, चांद के डूबते सितारे अकेले पढ़ते हैं, मसीहा फर्ज की लड़ाई अकेले लड़ते हैं। याद रखिएगा आप लोग, नवंबर 22 1947 का योग बना, नवंबर 22 1947 का योग बना, सुघर सिंह यादव के घर सफाई में फूल खिला। पांच भाई बहन में जन्म मुलायम पाए, पांच भाई बहन में जन्म मुलायम पाए, लहर खुशी की है परिवार में अपने लाए। कवि जी लिखते हैं, जब नेताजी का जन्म हुआ, ममता की मूरत मूर्ति देवी झूम उठी, ममता की मूरत मूर्ति देवी झूम उठी, निरख लालन का मुखड़ा वह खुशी से झूम उठी। रतन सिंह अभय, रतन सिंह अभय यादव भाई है शिवपाल जहां, रतन सिंह अभय यादव भाई है शिवपाल जहां, बहन कमला देवी एक भाई रामपाल जहां। घराना है बड़ा या पीर पहलवानों का, घराना है बड़ा या पीर पहलवानों का, इतिहास कायम है इटावा के दीवानों का। बाबूजी कवि जी लिखते हैं, नेताजी का जन्म 22 नवंबर 1939 में हुआ। नेताजी के पिताजी का नाम सुघर सिंह और उनके माताजी का नाम मूर्ति देवी। नेताजी पांच भाई और एक बहन। नेताजी जब पैदा हुए तो उनकी माताजी मूर्ति देवी देख करके बेहस उठती हैं, खिलखिला उठती हैं, चेहरा मगन हो जाता है कि यह बेटा मेरा अजीब किस्म का है, यह मेरा बेटा कितना नसीब वाला है। माँ अपने बेटे के ऊपर प्यार लुटाती हैं, दुलार करती हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़े लगल, माई मूर्ति देवी अपने पांचों लड़कन के, अपने बिटियन के पालत ही पोषत ही, एक नॉर्मल परिवार से नेताजी थे। तो धीरे धीरे जब समय बीता लगल, ए बाबूजी नेताजी बढ़े लगलन, माननीय मुलायम सिंह यादव जी बढ़े लगलन। कभी जी के भाव लिखत हूँ, कभी जी लिखत हुए, नेताजी पढ़ाई भी करत हुए और पहलवानी भी करत हुए, तब कभी जी लिखत हुए, बाप दादा के नाम जे पढ़ा देला हो, अरे बाप दादा के नाम जे पढ़ा देला हो, समझा खानदान के रंग चढ़ा देला हो, किशोर होई जाला सारी दुनिया में, हर दुनिया में ताल ठोके मुलायम सिंह जवनिया में, अरे ताल ठोके मुलायम सिंह जवनिया में, नाम चमकल जेकर पहलवनिया में, आप लोग गौर करिएगा, पहलवानी भी करतलन, पढ़ाई भी करतलन, पहलवानी के साथ साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ नेतागिरी में भी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव
रुचि रखा लगलन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जहाँ भी मीटिंग रहे जाए के मीटिंग में बैठे भाषण के सुने और देश के प्रति नेताजी के दिल में उद्गार आवा लगल कि हम भी सामाजिक काम करब, हम भी समाज में रह के गरीबन का उद्धार करब। तब नथु सिंह यादव से भेंट भइल हो, नथु सिंह यादव, नथु सिंह यादव से भेंट भइल हो, बात राजनीति वाली सेट भइल हो, नया दौर शुरू हो गयल जीवनिया में, हो नया दौर शुरू हो गयल जीवनिया में, अरे ताल ठोके मुलायम सिंह जवनिया में, ताल ठोके मुलायम सिंह जवनिया में, नाम चमकल जेकर पहलवनिया में, नेताजी पढ़े लगलन, पहलवानी करे लगलन और राजनीति में रुचि रखे लगलन। अब पहलवानी का चर्चा नेताजी का इतना फैला लगल कि उनकर पिताजी सुघर सिंह जब सुनलन तो कलन लगा था बेटा कुछ नाम करी। और हमारे गुरुजी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान उत्तर प्रदेश केसरी श्री मनोहर पहलवान जी बतावलन कि बेटा जब नेताजी लड़तलन कुश्ती तब नेताजी का दाव एक बड़ा प्रेटकल रहल, जानत हुआ मास्टर कवन दाव? चरखा दाव। चरखा दाव पर केहू केहू का दाव बड़ा इम्पोर्टेंट होला चचा। नेताजी का दाव चरखा दाव रहल, चरखा दाव पर केतनो बड़का पहलवान नेताजी के अगर आई गए तब पटक क्यों करे छाती पर नेताजी चढ़ जाए। बाबूजी सुघर सिंह अपने बेटा मुलायम का चर्चा सुने लगलन कि हमार बेटा बड़ा बढ़िया लड़त हो पढ़त हो, तब बाबू जी सोचे लगलन का सोचत हूँ कैल पढ़ाई राजी नीति विज्ञान में, इंटर का प्रवक्ता भैल नेताजी सम्मान में, पढ़ाई भी कर रहे थे, पहलवानी भी कर रहे थे, राजनीति में भी रुचि रख रहे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को अपना आदर्श मान करके दिलराज समाज में नेताजी भी चलते थे। इधर नेताजी संयोग हुआ कि नेताजी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हो गए, लेकिन समय बढ़ल, समय आगे बढ़ल तो का भजन राम सेवक यादव कैले, राम सेवक यादव कैले इनकर सहारा उनके लड़वल चुनाव हो, राम
पहली बार भइले नेताजी जब चुनाव लड़लन पहली बार 1967 में पहली बार भइले क्षेत्र का विधायक भारी तब कैलन विकास हो थे। चारों तरफ से एक तरफ पहलवानी एक तरफ पढ़ाई एक तरफ राजनीति सब कुछ में इंटरेस्ट लेते हुए नेताजी धीरे 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 क्रमशः आगे बढ़ने लगे और राजनीति में कुशल राजनीति करने के लिए नेताजी उतावले हो गए। एक बार 1967 में नेताजी चुनाव लड़े डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आशीर्वाद से नेताजी जसवंत नगर विधानसभा से चुनाव लड़े और चुनाव जब नेताजी लड़ने लगे तो नेताजी के पास पैसे की किल्लत थी। नेताजी के पास जब पैसे की किल्लत थी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने ऐलान किया एक नोट और एक वोट हमें चाहिए। नेताजी के बड़े अजीज दोस्त दर्शन सिंह जी नेताजी को सुबह साइकिल पर बैठा करके अपने साइकिल चलाते थे और नेताजी को जसवंत नगर की गली गांव झोपड़ी महल तक ले जा करके प्रचार प्रसार करते थे। बाबूजी रिजल्ट ये निकला कि नेताजी विधायक बन गए और आप लोगों ने सोशल मीडिया अच्छा है मीडिया द्वारा आप लोगों ने देखा होगा नेताजी के बड़े पुराने दोस्त रहे रामफल वाल्मीकि बताते बताते उनके आंखों में आंसू आ गया कि जब नेताजी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे लोग चंदा घर से दे रहे थे वोट भी दे रहे थे नोट भी दे रहे थे तो मेरी माताजी जा करके नेताजी का हाथ पकड़ के कहती हैं कि बाबू हमारे पास तो रुपया पैसा ना बा हमारे पास यह गहना बा यो गहना हम आपके देती हैं कि बेच के आप चुनाव लड़ नेताजी मेरी माताजी का हाथ पकड़ लिए वाल्मीकि बता रहे थे उनकी आंखों में आंसू था कि नेताजी इतने महान थे कि नेताजी मेरी माताजी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ के नेताजी कहे कि नहीं माँ सिर्फ अपना आशीर्वाद दीजिए नोट भी लोग दे रहे हैं वोट भी दे रहे हैं आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। नेताजी इतने महान थे नेताजी पहली बार जब विधायक बने उसके बाद क्रमशः नेताजी सीढ़ी चढ़ते ही गए जब सीढ़ी चढ़ते गए तो एक समय आया एक दौर आया वो कौन समय कौन दौर आया मास्टर कि एक बेरी पढ़ल तब पीछे नहीं हटल एक बेरी पढ़ल तब पीछे नहीं हटल और मुख्यमंत्री तीन बेर भइल नेताजी चहकल उत्तर प्रदेश अपन पार्टी बनौल 1992 में समाजवादी पार्टी नेताजी बताया गया कि तीन बार मुख्यमंत्री आठ बार विधायक सात बार सांसद और एक बार एमएलसी नेताजी आगे बढ़ते गए तब कवि जी लिखते हैं कि कैले राजनीति खातिर अरे नौकरी का त्याग हो सवा के प्रांति उनकर पढ़ल अनुराग हो जहिया रक्षा मंत्री भइल नेताजी सीना चौड़ा कैलस देश
ए भैया, नेताजी तीन बार मुख्यमंत्री हुए और सन 1996 में रक्षा मंत्री हुए। जब नेताजी पहली बार रक्षा मंत्री हुए तो कवि जी लिखते हैं क्या, जब 1996 में नेताजी रक्षा मंत्री भइलन देश का, तब कवि जी लिखत हुन कि रक्षा मंत्री बन के नेताजी ऐलान कइलन, चढ़ाई सीना तान कहले, अरे करब चीन पर चढ़ाई, अरे सीना तान कहले के रक्षा मंत्री बन के नेताजी ऐलान कइले। नेताजी बोलन तो पहली बार ऐलान कैलन कि जवन चीन बार बार धमकी दे हो, सैनिकन के आदेश दिलन और सैनिक चीन के सीमा में 4 किलोमीटर घुस के चीनी सेना के घसीट के मरलन अपन फौजी। कभी जी लिखत हुए कि शहीदन कला सौन के घर बजाई, पहली बार कि शहीदन कला उनके घर बजाई, अब नहीं बेल्ट टोपी घर में भेजाई। अरे मिल 10 लाख राशि फरमान कैले, के मिल 10 लाख राशि फरमान कैले कि रक्षा मंत्री बन के नेताजी ऐलान कैले। नेताजी रक्षा मंत्री कार्यकाल में पहली बात ऐलान कैलन कि हिंदुस्तान में जितने हमारे फौजी शहीद होते हैं उनकी डेथ बॉडी घर अब जाएगी। पहले का रहे, पहले डेथ बॉडी घर पे ना जात रहे, पहले खाली टोपी वर्दी बेल्ट जूता जाए के परिवार के शव देवल जाते रहे। लेकिन नेताजी कल नहीं, फौजी देश के लिए शहीद होता है इसलिए फौजी कि अब घर पे उसके उसकी शहीदी लाश जाएगी। लेकिन जब इतनी बात फौजी भाई सुनला लोग तो खुशी से झूम गईलन। और एक बात और नेताजी ऐलान कैलन, मात्र शहीदी लाश नहीं जाएगी, उसके साथ साथ 10 लाख रुपए का चेक भी जाएगा। बारे नेताजी ऐसे हमारे नेताजी थे, क्या सोच थी उनकी। और कवि जी क्या लिखते हैं कि 2012 में जब भइल चुनाव हो, अब पूरा बहुमत से मिलल जनता का प्यार हो, अखिलेश हाथ सीएम का कमान दिहल, अखिलेश हाथ सीएम का कमान दिहल के रक्षा मंत्री बन के नेताजी ऐलान पहले। नेताजी के विषय में मैं जितना बताऊं सब कम है मेरे मित्रों। नेताजी का नाम मुलायम था लेकिन जो फैसला नेताजी देते थे उस फैसले पर अडिग रहते थे। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने
तो जानते हैं मिथिलेश भाई, जब पहली बार नेताजी मुख्यमंत्री बने तो देश में प्रदेश में सारा सरकारी काम इंग्लिश में हो रहा था, तो नेताजी ने पहले ऐलान कराया कि अब भारत हिंदुस्तान हिंदी देश है, इसलिए सारे सरकारी काम अब हिंदी में होंगे। लेकिन उसको लेकर के विपक्षियों ने नेताजी को घेरना शुरू किया। नेताजी बोले नहीं, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी है, तो सारा काम हिंदी में होगा। ऐसे थे हमारे नेताजी। और देश को सजाने के लिए देशों विदेशों तक नेताजी जाया करते थे। लेकिन ए भैया, कुछ आप लोग जानते हैं, अयोध्या वाले मैटर में भी नेताजी ने बहुत कड़ा फैसला लिया था। इतना कड़ा फैसला कोई मुख्यमंत्री नहीं ले सकता। ए भैया, समय जवन करा दे हो, पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान। कवि जी लिखते हैं क्या विदेशिया का भाव, कि जेकर आग दुनिया में केहू नाही रोक पावे, ओकर आग रोक दे देखाई बूढ़ैया, दुहिया कटु बरबाइस नेताजी बीमार भइले, मेदांता में भर्ती भइले जाके तैसा मैया, डॉक्टरन कदल दवा कर में लपटी गइले, लेकिन कुछ अलगे रहल विधि कलखनिया। ए बाबूजी, नेताजी अपने जिंदगी में जितना किए शायद कोई नेता कर पाएगा। बिरहा सुनने वाले भाई, एक बात याद रखिएगा, जब नेताजी के सामने जब ये शब्द लग गया धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, तो ये समझिएगा आप लोग कि मुलायम सिंह यादव जी, माननीय नेताजी, इस धरती से और गरीबों से, किसानों से, नौजवानों से कितना लगाव रखते थे, जिनका नाम ही धरती पुत्र लग गया। लेकिन 2 अक्टूबर 2022 के हमारे नेताजी बीमार भइले। जब बीमार हुए, गुरुग्राम हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल में लोग लेकर के जाते हैं, डॉक्टर की टीम लग गई, डॉक्टरी उपचार होने लगे, और नेताजी कभी ठीक हो जाते, कभी रिजल्ट अच्छा आता, कभी रिजल्ट गड़बड़ आता। इसी तरह से धीरे 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 समय बीतता गया। लेकिन जब 10 अक्टूबर आया, तब दसो तरीकिया के 8 बजे सबेरामा हो, अटूर हो गए हमरे अखिलेश भैया। बाबूजी, 10 अक्टूबर के सुबह 8:16 पर नेताजी हमेशा हमेशा के लिए धरती माँ के आंचल में सो गए। धरती पुत्र का वह लाल आज धरती माता के दामन में सो गया। तो कवि जी लिखते हैं, कि बदरिया में समय ले नेताजी, अरे बदरिया में समय ले हो, बदरिया में समय ले नेताजी, चंदा के डूबते ही सगरो घिरल नैया, बदरिया में समैले नेताजी, चंदा के डूबते ही सगरों घिरल अनहरिया, अस्पताल से निकल के सबको अखिलेश भैया दिए खबर, सबके नेता पिताजी मेरे आखिर स्वर्ग में गए किधर। बाबूजी, नेताजी की खबर आकर के अखिलेश भैया हॉस्पिटल से बाहर श्री अखिलेश यादव जी देते हैं कि हमारे आदरणीय पिताजी और देश के नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो धर्मेंद्र शिवपाल रो रहे, डिंपल नयन बहे झरझर, डेथ बॉडी पर अखिलेश भैया रोए करके होज कर। ए बाबू, हॉस्पिटल से निकल करके अखिलेश जी खबर करते हैं सारे लोगों, और 1, 2, 3, 4, 10,000, 20,000 नहीं बल्कि लाखों लाखों की संख्या में लोग हॉस्पिटल पर जाने लगे। आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव जी हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल से लेकर के उनके साथ में शिवपाल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी,
परिवार के सारे लोग, प्रोफेसर साहब और लाखों करोड़ों किसान कार्यकर्ता नेताजी के दुआ में जुटे थे। लेकिन आज जब वेदांता हॉस्पिटल से श्री अखिलेश यादव जी नेताजी की लाश अपने गांव सफाई लेकर के जाते हैं तो श्रद्धांजलि देने वालों की ताता लगी थी। तमाम बड़े से बड़े नेता, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं था बाबूजी जो कि जाकर के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव नेताजी के चरणों में झुक करके श्रद्धांजलि न दिया हो। श्रद्धांजलि देने वालों की लाइन लगी थी सफाई गांव में। जैसे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान बनारस से और श्री उमेश यादव प्रधान जी पूर्व MLC प्रत्याशी और श्री सुनील यादव युवा शक्ति संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भीष्म नारायण यादव जी जो कि जिले के महासचिव समाजवादी पार्टी बनारस, राजेश यादव नत्थू जी, आशीष यादव जी, सुभाष मास्टर साहब, रामजतन यादव जी, सुभाष सुरेंद्र यादव प्रधान बंधु, श्री वीर बहादुर यादव मास्टर साहब, आनंद मौर्या जी जिला सचिव, और वहाँ आंखों देखा हाल देकर के हमारे गुरुजी बताए। तब ये गीत को गुरुजी ने ही बता करके इस गीत को डलवाया है, बिरहा के सम्राट। और हमारे गुरुजी श्री विजयलाल यादव जी भी आप लोग फेसबुक पर देखे होंगे कि हमारे गुरुजी भी जा करके श्रद्धांजलि देते हैं। जिस समय लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे, उमेश यादव जी, सुजीत यादव जी, बिरहा सम्राट विजयलाल यादव गुरु जी, उस समय अखिलेश जी के आँखों में आंसू था, आँखों में आंसू था, माननीय नेताजी के तरफ देख करके आंखों में आंसू लेकर के अखिलेश जी एक आवाज देते हैं। क्या क्या देते हैं मास्टर? धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी सोए हैं घोर निद्रा में, तो श्री अखिलेश यादव जी रोते हैं क्या? क्या बिलख रहा परिवार हमारा, अरे बिलख रहा परिवार हमारा, कोई बुला दे पापा को, आंखों में आंसू लेकर के रोते हैं। सोए हुए लगते मुझे है, सोए हुए लगते मुझे है, कोई जगा दे होते हैं कि पिताजी ये क्या हो गया? कहते हैं क्या, अरे जीने की हमको राह दिया लिखे हैं कवि जी की, तड़प रहा है अखिलेश तुम्हारा, कोई बता दे पापा से। अब पापा कहां बोलने वाले हैं, अब नेताजी कहां बोलने वाले हैं,
बाबू बिरहा सुनने वाले भाई मैं एक बात बता दूं, मैं भी एक बार नेताजी से मिला था 2018 में। हम हमारी गुरुवाइन माता श्रीमती अनीता राज जी, निशा पांडे, शुभम पांडे दिल्ली मिले थे। नेताजी से हमारी गुरुवाइन माता बताई थी कि ये हमारा शिष्य है, नेताजी गाना भी गाता है। तो नेताजी बोले थे, मैं तो कभी नहीं सुना, तो मैंने एक गीत गाया था कि जहाँ के शान मुलायम, मेरे पहचान मुलायम, मिट जाऊँ आपके संदेश पे, मौका मिला तो दिखा देंगे हम, आपके लिए गर्दन कटा देंगे हम, समाजवादी गुलशन खिला देंगे हम। नेताजी हंसते हुए ताली बजाते हुए एक लोग को बुलवा करके बोले कि ये लड़का गाना गा रहा है, इसको पुरस्कार दो। तो उस समय नेताजी ने हमको 11,000 रुपया से सम्मानित करके पुरस्कार दिया था। वो रुपया हमारे लिए मायने नहीं है, हमारे नेता ने हमारे सिर पर हाथ रखा था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज अखिलेश जी तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आप लोग देखे होंगे आज एक एक कार्यकर्ता रो रहा है। लेकिन परिवार की स्थिति क्या है, तब तक डिंपल भाभी आती है, नेताजी को श्रद्धा सुमन समर्पित करती हैं और आंखों में आंसू ले करके रोते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, के डिंपल रोवाली, के डिंपल रोवाली, झर झर पर नजरिया हो कि झर झर पर नजरिया हो कि एहो पापा कैला सबके काहे बिसराया सहरवा हमनी के टूटिए लुगाइल हो। अरे हमरा के दिहला अप्पा पचिया के डहरिया कि ये हो पप्पा चिया के डहरिया हो कि ये हो पप्पा चमनी डरिया कैला तू लगाया सहरवा हमन लेकिन डिंपल भाभी एक लाइन और रोती हैं, यह बात सुनकर के सारे लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है। क्या अखिया के खोलता कि पापा जी मुंह में से बोलता वो, ए पापा जी मुंह में से बोलता हो कि ये हो पापा सुजाता ही काम नो हमन के टूटिए लुगाइल हो। बाबूजी अब बचा ही क्या, नेताजी को देख करके सारे लोग रोते हैं, बिलखते हैं परिवार के। आप लोग देखे होंगे धर्मेंद्र यादव जी, जब भी नेताजी के पास धर्मेंद्र यादव जी जाते थे तो आप लोग देखे होंगे बाबूजी बच्चों की तरह रो रहे थे धर्मेंद्र यादव जी। नेताजी ने क्या नहीं किया था देश के लिए, मात्र उनका परिवार सैफई परिवार नहीं था, उनका परिवार एक एक समाजवादी कार्यकर्ता था। उनका परिवार, उनका बेटा एक एक समाजवादी कार्यकर्ता था। वह कार्यकर्ता चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, और नेताजी की क्वालिटी रही कि जो सबसे छोटा कार्यकर्ता होता था उससे नेताजी मिलते थे। लेकिन वहीं पर बैठे हैं, आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के जरिए नेताजी की लाश रखी हुई है ताबूत में,
और एक तरफ कुर्सी पर शिवपाल जी बैठे हैं, अखिलेश जी बैठे हैं और जनाब आजम खान साहब बैठे हैं। ये दृश्य बहुत अद्भुत दृश्य है, यह दृश्य गजब का दृश्य है। किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना पिता खोया, तो किसी ने अपना दोस्त खोया, लेकिन शिवपाल जी की नजर भैया के ऊपर पड़ती है। शिवपाल जी की नजर एक टक टिकी हुई है, कहते हैं क्या क्या शिवपाल जी कहते हैं कि समाजवाद दल का देखो, कि समाजवाद दल का देखो, अरे खेवैया चले गए, समाजवाद दल का देखो खेवैया चले गए। शिवपाल कहे कि छोड़ के भैया चले गए, इशारा है मोदी कहे कि कर्मठ शक्ति मान मुलायम, योगी जी बोले थे अच्छे इंसान मुलायम, कहते हैं अमित साहब फरमान मुलायम, किसान के किसान थे किसान मुलायम, जवानों के जवान थे जवान मुलायम, केजरीवाल मायावती कहे उड़ान मुलायम, हमें हर बान मुलायम, दलितों पिछड़ों के देखो सहैया चले गए, दलितों पिछड़ों के देखो सहैया चले गए। शिवपाल कहे कि छोड़ के भैया चले, सारे लोग रोते हैं बिलखते हैं, क्यों नहीं रोएंगे बाबूजी। समाजवाद को लेकर के झंडा बुलंद किए थे माननीय नेताजी, आज हम लोगों को पहचान दिलाने वाले नेताजी अब नहीं है। मात्र सैफई का परिवार नहीं रो रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, जर्रा जर्रा, वह पिछड़ा, वह गरीब, वह किसान, वह जवान, सारे लोग रो रहे हैं। लेकिन कवि जी लिखते हैं क्या, अरे केहू का कवनो सूजना डारिया किया बरसले, समाजवाद का टूटल बा कमरिया किया बरसले, भरल पुरल परिवार छोड़ के बाबूजी कहाँ गईला हो, अरे सुन परल बयाज सैफई घरवा अनार बैला हो। आज सैफई में सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन नेताजी नहीं है, तो
तुमका घेर लस्ते सवा में पदरिया अखिया बरसले, अरे नेताजी का चरका चारों वरिया अखिया बरसले। नेताजी के शोक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा और हमारे देश के जवान सीमा पर 2 दिन राष्ट्रीय शोक रख करके नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम किए। नेताजी कितने महान थे, लेकिन आज कवि जी लिखते हैं क्या, कि हाय राम हाय 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 कि कायम भैया मोर भारत देश बाबू आज पूरा जिला रे जवान नेताजी हो जा नहीं बाल सब समान भैया हाथ हवा उन करके हला विचार आज नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी का दिया हुआ वह विचार, नेताजी का दिया हुआ वह समाजवाद और नेताजी की एक एक बात हम लोगों के दिल में है। तो अरे जहिया उ कई अपने अरे जहिया उ कई अपने दल के गठन में बाबू बड़े बड़े लोग जुटे जोड़ल होता खेतवा में अरे खेतवा में रोब खड़ा हो के किसान भैया सीमा का जान रोब सीमा पर बेजा आज खेत में वह किसान रो रहा है, घर पर वो माँ रो रही है, घर पर वो बहन रो रही है और सीमा पर रक्षा कर रहे हमारे देश के सजग प्रहरी फौजी भाई रो रहे हैं। तो और के रोत बा अरे कापी कलम लेके अरे कापी कलम लेके रोव पढ़वैया भैया जगा। 10 तारीख को नेताजी की मौत हुई और 11 तारीख को सैफई में जहां दाह संस्कार करने की व्यवस्था थी मेरे बाबूजी, लगभग 7 लाख लोग पहुंच करके अपने महबूब नेता का आखिरी दर्शन करने के लिए ललायित थे। देश के प्रदेश के बड़े बड़े नेता आए अपनी अपनी बातें रख करके और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आज 11 अक्टूबर को शाम 3:30 बजे नेताजी के चिता में श्री अखिलेश यादव जी मुख्य अग्नि देते हैं तो सारे कार्यकर्ता रोते हैं। क्या रोते हैं बाबू, खड़ी का भाव लगल। नहीं अब
लोग रोते हैं कि जो नेताजी जिंदा थे तो नेताजी किसान की बात, जवान की बात, गरीब की बात, नौजवानों की बात, गरीब मजदूर की बात करते थे, अब कौन सहारा बनेगा। लेकिन कभी जी इशारा करते हैं क्या कि भैया अखिलेश हो अब हम हन का सहैया औ भैया बनी है सबके नैया का खेवैया। लोग श्री अखिलेश यादव जी में नेताजी की झलक देखते हैं और विश्वास करते हैं लोग कि नेताजी तो चले गए, लेकिन अब बचा हुआ काम, अधूरा काम हमारे अखिलेश भैया श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। और अखिलेश यादव जी में ही नेताजी की लोग मूरत देख करके समाजवाद के कारवां को आगे बढ़ाएंगे और समाजवाद का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। आखिरी भाव लिखल गए क्या गुरु बिहारी गुरपत्तु बिरहा में परम पुनीता काशी बुल्लू मनोहर की शिष्या बनी अनीता अरे बदरिया में समैला नेताजी उपेंद्र प्यारे लाल ना मालूम कहां।